अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करूंगा स्टील इंडस्ट्री में अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि सरिया कैसे बनता है। सरिया बनाने में सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है स्टील स्क्रैप। स्टील स्क्रैप की मुख्तलिफ इकसाम है, ये है जी श्रेडिड स्क्रैप। मुख्तलिफ इंडस्ट्री श्रेडिड स्क्रैप इस्तेमाल करते हैं और इसको इंडस्ट्रियल जुबान में पकौड़ा भी कहते हैं। ये क्रस्ट फॉर्म है गाड़ियों की चेसिस और लोकल स्क्रैप की। ये है जी LMS बंडल स्क्रैप, मीन्स लाइट मेल्टिंग स्क्रैप। लाइट मेल्टिंग स्क्रैप बनता कैसे है, ये जी लोकल स्क्रैप और मुख्तलिफ किस्म के स्क्रैप को डाई के अंदर कंप्रेस या कम्पैक्ट करके क्यूब फॉर्म में बनाया जाता है। इसकी फर्नेस में एडिशन इजी है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल के जरिए इसको फर्नेस में ऐड करते हैं। ये है जी जाल बंडल स्क्रैप। जाल बंडल स्क्रैप बहुत अच्छी क्वालिटी का स्क्रैप है और ये सरिये की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में वाइट बंडल स्क्रैप भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर स्क्रैप होता है, प्योर किस्म का स्क्रैप है और इसमें कंपोजिशन का कोई मसला नहीं होता। ये है जी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को इंडस्ट्रियल जुबान में हार्ड माल भी कहते हैं। इसकी अपीयरेंस से जाहिर होता है कि ये ब्रिटल फ्रैक्चर है और ग्रे रंग की इसकी अपीयरेंस है जहाँ से ये ब्रेक होता है और ये हाई कार्बन होता है, इसलिए इसको फर्नेस में कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं छोटे पीसीज में, रिक्वायर्ड पीसीज में जितनी हमें ज़रूरत होती है। ये है जी कैंची टोक स्क्रैप, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्क्रैप है। ये पाइप स्क्रैप है और ये है जी HMS मीन्स हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, जो कि बहुत